गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अरुणा परगोतिया और हम जो है सेक्स लिंक्ड डिसीज मतलब कि लिंग से रिलेटेड जो डिसीज होती है वो पढ़ रहे थे। लिंग संलग्न रोग भी बोलते हैं और लिंग संलग्न एक तरह से डिसीज भी इनको बोला जाता है। तो जिसमें हमने मॉर्गन रिलेटेड एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए थे, मॉर्गन का हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था और फर्स्ट डिसीज हमने शुरू की थी जिसका नाम था वर्णांधता। वर्णांधता में हमने दो एग्जाम्पल्स देख लिए थे। वो जो एग्जाम्पल थे वो किससे रिलेटेड थे कि अगर मान लीजिए कोई सामान्य स्त्री है और सामान्य स्त्री का जो विवाह है अगर मान लीजिए किसी कलर ब्लाइंड मतलब कि जिसको कि वर्णांधता है वर्णांध पुरुष के साथ होता है तो संतति कैसी उत्पन्न होगी, एक चीज़ हमने देख ली थी। दूसरा हमने ये भी पढ़ लिया था कि अगर मान लीजिए कोई वर्णांध स्त्री है और वर्णांध स्त्री का विवाह किसी सामान्य पुरुष के साथ होता है तब स्थिति क्या बनती है, तब नेक्स्ट जनरेशन में कैसी संतति उत्पन्न होगी। उसके बाद दो और फैक्टर्स इसके बनते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर पे, ये इसलिए मॉडिफाई करके हम पढ़ते हैं क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन में चारों में से कोई एक चीज पूछ सकते हैं पर अगर आपको एक क्रॉस बनाना आता है तो तीन आप अपने आप ही बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जीन्स जो होती है उसका कैरियर कौन है मतलब कि किस गुणसूत्र पर ये जीन्स मौजूद है वर्णांधता के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है, वर्णांधता जो कि कैरी करती है, तो वो जीन्स आपको पता होना चाहिए। अगर वो जीन्स आपको पता होती है तो ये कर सकते हैं आप। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स क्रोमोसोम ही इसके वाहक होते हैं मतलब एक्स क्रोमोसोम्स पर ही ये जीन्स प्रेजेंट होती है। तो वो कहाँ पर होगी, फीमेल में भी डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है परंतु वाई क्रोमोसोम्स होता है वो किसी भी प्रकार की कोई जीन्स को कैरी नहीं करता है जो कि डिसीज फैलाते हैं। तो हम नेक्स्ट थर्ड नंबर की जो क्रॉस पढ़ रहे हैं उसमें हमने ली है जो कैरियर फीमेल, कैरियर का मतलब होता है वाहक। एक तो ये चीज होती है कि जो कि पूर्ण रूप से वर्णांध हो, पूर्ण वर्णांधता जिसको होती है उसको हम बोल सकते हैं या फिर वो वाहक हो। वाहक का मतलब ये होता है जो आगे जाकर इस डिसीज को कॉज कर सकती है मतलब किसकी जो संततियां होंगी उसमें डिसीज जरूर आएगी तो उनको हम बोलते हैं वाहक। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर वाहक मादा हो, ये हम मनुष्य में ही पढ़ रहे थे, वाहक अगर मादा हो और अगर सामान्य पुरुष हो, अगर यहाँ पर सामान्य पुरुष हो, अगर इनका विवाह होता है मतलब कि वाहक महिला या फिर सामान्य पुरुष का अगर विवाह होता है तो उससे बनने वाले गैमेट्स पहले देख रहे थे। तो गैमेट्स क्या बनेंगे, वाहक है मतलब एक ही सी होगा इसलिए एक ही जीन्स प्रेजेंट होगी। अगर मान लीजिए पूरी तरीके से वर्णांध है तो वर्णांध में क्या होगा, दोनों एक्स पर ये जीन्स प्रेजेंट होगी मतलब दोनों एक्स गुणसूत्रों पर ये जीन्स मौजूद होगी। पर यहाँ पर क्या है वाहक है तो वाहक के कारण केवल एक ही जो एक्स गुणसूत्र है वो वर्णांधता फैलाने वाले जीन्स को कैरी करेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स सी एक्स और इधर जो है सामान्य पुरुष है तो उसके जो गुणसूत्र होंगे वो क्या होंगे एक्स और वाई। जब इनके बीच में हम क्रॉस बनाते हैं तो पहला क्रॉस एक्स सी और इसे एक्स के बीच बनता है तो एक्स सी एक्स आता है। एक्स सी एक्स से मतलब कि ये जो फीमेल है क्योंकि डबल एक्स क्रोमोसोम में तो ऑब्वियसली चाइल्ड जो होगा वो क्या होगा फीमेल होगा तो या गर्ल चाइल्ड होगी। तो गर्ल चाइल्ड अगर होगी तो वो कैसी होगी कैरियर होगी। कैरियर का मतलब ये है कि अगर फिर इसका विवाह किसी सामान्य पुरुष से होता है तो इसके बच्चे भी आगे जाकर कैरियर हो सकते। तो ये तो 25% रेशो है कि 25% जो होंगे वो कैसे होंगे कैरियर होंगे। दूसरा इसी का ये अपन क्रॉस बनाते हैं इसके साथ तो क्या होता है एक्स सी वाई क्योंकि वाई जो होता है वो कैरी नहीं करता है वर्णांधता फैलाने वाले जीन्स को। तो ये जो मेल होगा एक्स वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्स वाई गुणसूत्र रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल के लिए कि आने वाला जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा बॉय होगा। तो यहाँ पर ये क्योंकि इस पर भी क्या प्रेजेंट है वो जीन्स प्रेजेंट है जो वर्णांधता फैलाती है तो इसलिए ये क्या होगा डिजीज्ड मेल होगा। 25% होंगे वो कैसे होंगे डिजीज्ड मेल होंगे। और नेक्स्ट जो है एक्स का किसके साथ बनेगा, एक्स के साथ बनेगा तो डबल एक्स क्रोमोसोम्स होंगे इस पर कोई भी कैरी नहीं कर रहा नहीं है कैरी वर्णांधता फैलाने वाले जीन्स को कैरी नहीं किया है इसने। तो 25% जो फीमेल होगी वो कैसी होगी नॉर्मल होगी। एक्स का जब वाई के साथ अगर क्रॉस होता है तो ये कैसे होंगे मेल होंगे
1:1 का क्यों बन रहा है, क्योंकि 25 से सब को क्रॉस करते हैं हम, या 25 को अगर सॉल्व करते हैं तो रेशियो क्या बनता है, 1:1:1 का। तो ये रेशियो जो है, तो इसमें हमने क्या लिया था, वाहक माला और सामान्य पुरुष, या वाहक महिला और सामान्य पुरुष का अगर हम विवाह करते हैं तो ये क्रॉस होता है। ये अलग अलग क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए चार्ट की मदद से आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर कैरियर फीमेल हो, मतलब वाहक फीमेल हो पर कलर ब्लाइंड मेल हो, मतलब टोटली डिसीज्ड हो, वो टोटल कलर ब्लाइंड हो, जो कि ग्रीन और रेड कलर को टोटली डिफाइन नहीं कर पाते हो, तो अब क्या होगा, मान लीजिए किसी वाहक महिला की शादी जो है वो कलर ब्लाइंड मतलब वर्णात पुरुष के साथ होती है, ये वर्णात पुरुष है और ये क्या है, वाहक महिला। अगर इनकी शादी होती है तब क्या होगा, ये इसके ऊपर कैरी करने वाला जीन्स है, सी जो है कलर ब्लाइंड कैरियर जीन्स है, डबल एक्स क्रोमोसोम और एक्स वाई क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पर क्या है कलर ब्लाइंड मेल है, तो इसलिए भी ये भी क्या करेगी, कलर ब्लाइंड जीन्स को कैरी करेगी। अब इनका क्रॉस बनाते हैं, तो एक्स सी का क्रॉस एक्स सी के साथ बनता है तो डबल एक्स सी आता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये तो टोटली क्या होगी, कलर ब्लाइंड फीमेल होगी, ये क्या होगी, टोटल कलर ब्लाइंड फीमेल, क्योंकि आप इसमें ये कैरियर नहीं होगी, कैरियर इसलिए नहीं होगी क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं कलर ब्लाइंड जीन्स को। नेक्स्ट क्या बनेगा, एक्स सी, एक्स सी वाई, तो एक्स सी वाई मतलब कि ये जो मेल होगा कैसा होगा, डिसीज्ड होगा, मतलब कि इसको भी क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा, 25% का रेशो बन रहा है यहाँ पर भी। फिर एक्स का एक्स सी के साथ, तो ये भी क्या होगी, कैरियर फीमेल होगी, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम्स कैरी कर रहा है कलर ब्लाइंड जीन्स को। फिर एक्स का किसके बाद साथ बनेगा, वाई के साथ बनेगा, तो एक्स वाई मतलब कि 25% जो चाइल्ड होंगे वो नॉर्मल होंगे, तो इसमें भी 1:1:1:1 का रेशियो बनेगा, क्योंकि 25% सभी हैं, तो एक जो होगा चाइल्ड वो कैसी होगी, वो टोटली कलर ब्लाइंड फीमेल होगी, एक जो बॉय होगा वो कैसा होगा, डिसीज होगा, मतलब टोटल कलर ब्लाइंड ही होगा वो भी, और एक फीमेल जो होगी कैरियर होगी, जो आगे जाके इस डिसीज को फैला सकती है, और दूसरे जो होगा एक जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर जो है वर्णाधिकता से रिलेटेड हमने चार क्रॉस पढ़े हैं, चारों में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बातें हैं, उसमें हमने टोटल कलर ब्लाइंड भी लिया है और नॉर्मल भी लिए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिसीज आती है, जो सेक्स लिंक्ड डिसीज है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि लिंग संलग्न वंशागति की को उदाहरण सहित समझाइए, या वर्णाधिकता रोग कैसा है, तो ये पता होना चाहिए कि वर्णाधिकता जो डिसीज है वो एक तरह से क्या है, वो है टोटली सेक्स लिंक्ड डिसीज या लिंग संलग्न रोग। तो दूसरा आप ले रहे हैं, नेक्स्ट वाले डिसीज ले रहे हैं, नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का मतलब क्या होता है, हीमोफीलिया का मीनिंग ये होता है कि अगर किसी पर्सन में, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है उसमें उसे चोट लग जाती है, और चोट लगने के कारण उसके रक्त का बहना जो होता है वो रुकता नहीं है, तो अगर उसके रक्त का बहना नहीं रुकेगा तो क्या होगा, उसको रक्त की कमी होगी। तो इस डिसीज को जिसमें कि किसी व्यक्ति को चोट लगने पर अगर रक्त का बहना नहीं रुकता है तो उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया की बात हो रही, चूंकि हमारे अंदर जितनी भी फंक्शनिंग होती है, मतलब कि जितने भी क्रियाएं होती है, वो सब जीन्स पर डिपेंड करती है, रक्त संबंधित हो चाहे कोई से, तो ये रोग भी जो होते हैं किससे कंट्रोल्ड होते हैं, जीन्स से ही कंट्रोल्ड होते हैं। तो जो जीन्स रक्त का थक्का जमाने के लिए या रक्त को पूरी तरह से क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब ये होता है, या तो उसकी जगह में बदलाव हो जाएगा या फिर उसकी संरचनात्मक और उसमें परिवर्तन हो जाएगा। अगर उसमें परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या करती है, जो इसका एक फैक्टर होता है, एक कारक होता है, जिसको बोलते हैं कारक एड, ये कारक होता है कि ये जो फैक्टर होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर एट। तो एट नंबर का जो फैक्टर होता है ये क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं कर पाता है। तो मतलब ये होता है कि जो एट नंबर का फैक्टर है
ये टोटली इसका डेवलपमेंट नहीं होता है, इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसका फॉर्मेशन क्यों अवरुद्ध हो जाता है, इसका फॉर्मेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि जीन्स जो होती है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, उस जीन में म्यूटेशन हो जाता है जो कि ब्लड का क्लॉटिंग करती है। तो ऐसे पर्सन का रक्त जो होता है वो बहता रहता है, जैसे चोट हो जाती है या लग जाती है। तो इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन भी है सेक्स लिंक्ड डिजीज, मतलब कि लिंग निर्धारण के समय जो जीन्स अगर फ्लो हो गई तो आगे आने वाले चाइल्ड में भी इस तरह की समस्या हो सकती है। तो उसके लिए भी हम क्रॉस देख लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। तो ऐसे पर्सन का फिर रक्त बहना नहीं रुकता है। तो मान लीजिए अगर कोई कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल मतलब वाहक फीमेल है, वाहक महिला है, वाहक है तो एक ही जीन्स कैरी करेगी, तो एक्स एज, एज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हीमोफीलिया है, सी हमने पहले इसलिए लिखा था क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस थी, तो एक्स एज और एक्स क्रोमोसोम। और इसमें हम अगर इसका विवाह सामान्य पुरुष से करते हैं, सामान्य पुरुष है मतलब कि ये किसी प्रकार का कोई जीन्स कैरी नहीं करेगा, तो ये हो गया एक्स और वाई। और हम इसका क्रॉस बनाते हैं इनसे जो गैमेट्स बनेंगे, जब इसका क्रॉस हम इससे करते हैं तो क्या होगा, एक्स एच एक्स, मतलब कि जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, कैरियर होगी। इसको लिखते जाते हैं साथ साथ में, जो फीमेल होगी वो कैसी होगी, कैरियर। फिर इसका क्रॉस इससे बनाते हैं तो एक्स एच वाई, मतलब कि जो मेल भी होगा वो कैसा होगा, पर मेल यहाँ पर पूरा हीमोफीलिक ही होगा क्योंकि ऑब्वियसली एक्स ही कैरी करता है। तो यहाँ पर जो होगा मेल कैसा होगा, हीमोफीलिक, हीमोफीलिक मतलब कि जिसको हीमोफीलिया होगा। नेक्स्ट क्रॉस बनाते हैं, एक्स का इसके साथ चलता है तो डबल एक्स, मतलब कि यहाँ पर नॉर्मल फीमेल होगी और इसका इसके साथ बनाएंगे तो एक्स वाई, मतलब कि नॉर्मल मेल होगा। तो अगर हीमोफीलिक कोई पर्सन है, मान लीजिए अगर कोई हीमोफीलिक पर्सन का यहाँ पे ऐसा है जो कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल की मैरिज अगर हम सिंपल किसी पर्सन से या नॉर्मल पर्सन से करते हैं तो इस तरह का क्रॉस हमको मिलता है, जिसमें कैरियर फीमेल होती है, मेल जो होता है वो हीमोफीलिक होगा और नॉर्मल फीमेल्स होंगी, मतलब यहाँ पर भी रेशियो जो बनेगा वो 1:1:1:1 का बनेगा, इस तरह से क्रॉस बनेगा या रेशियो बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वाहक महिला लिया और सामान्य पुरुष लिया है। पर अगर इसके अपोजिट भी पूछते हैं तो आपको इसका क्रॉस बनाना आना चाहिए। तो ये जनरली अगर देखा जाए तो ये यूरोप जो है, यूरोप के राजघराने जो है वहाँ पर ये जीन्स जो होता है सबसे ज़्यादा मिलता है। तो महारानी जो विक्टोरिया थी उसमें इसको देखा गया था सबसे पहले, सबसे पहले तो नहीं बोल सकते हैं पर उनमें भी ये प्रॉब्लम है। तो ये एक तरह से वंशागति की ही होती है, इसलिए हम बोलते हैं लिंग संलग्न वंशागति की, क्योंकि इसकी भी क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति की होती जाती है। तो जो एक तरह से देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि जो उनकी पुत्रियां थी क्वीन विक्टोरिया की, तो उनके जो पति थे अल्बर्ट, उनकी दो मतलब जो उनके बच्चे थे एक्चुअली, वो दोनों लड़कियां एक तरह से कैरियर थी और पुत्र जो था उनका मतलब बेटा जो था उनको भी ये डिसीज थी। तो इसमें फीमेल तो कैरियर होती है पर मेल जो होता है, पुत्र जो होता है तो हीमोफीलिक हो जाता है आगे जाकर। और इसमें यूरोप का भी बताया है कि यूरोप में कैसे ये डिसीज कॉज हुई थी और कैसे आगे ये बढ़ी थी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी इससे रिलेटेड। तो आज हमने जो पढ़ा है वो वर्णांधता में दो क्रॉस हमने पढ़ लिए हैं और दूसरा हीमोफीलिया डिसीज़ पढ़ लिए है। ये डिसीज़ आपको अच्छे से समझना ज़रूरी है, अगर ये आप अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर पूरा जेनेटिक्स आपको समझ में नहीं आ सकता है। इसके बाद जो है अनुवांशिक विकार पढ़ेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर है और कुछ गुणसूत्रीय डिसऑर्डर हैं, मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम क्रॉस बनाकर ही देखेंगे उसमें भी कि किस कारण से होते हैं ये,
पीढ़ी दर पीढ़ी इसका स्थानांतरण कैसे होता है या जीन्स में बदलाव के कारण कैसे होते हैं और गुणसूत्र डिसऑर्डर मतलब गुणसूत्र में बदलाव के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड हो गया है।